हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। सो अभी रिसेंटली मेरी फैमिली आई हुई है जर्मनी, और इनको जैसे काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा जर्मनी का, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए कि जब कोई नया नया फर्स्ट टाइम जर्मनी आता है तो क्या कल्चर शॉक्स लगते हैं, क्या चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, और क्या इनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो आज पूछते हैं कैसा रहा इनका टाइम जर्मनी में। चलो और चलते चलते बात करते हैं। अभी हम हैं लक्जमबर्ग में। लक्जमबर्ग सिटी भी है, कंट्री भी है, वन ऑफ द रिचेस्ट, आई थिंक मोस्ट रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का पर कैपिटा इनकम वाइज। सो घूमते हैं लक्जमबर्ग में और साथ में इनसे पूछते हैं जर्मनी के बारे में। सो फॉर रिकॉर्ड आपको बता देती हूँ, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, इसका नाम है कमल, इसका नाम है रवीना। तो बताओ पहले तो कितना टाइम हो गया जर्मनी में आके? अभी 2 महीने होने वाले हैं पूरे। अच्छा, और फिर क्या अच्छा लगा? मतलब शुरू से बताओ कि जब फर्स्ट डे आए थे तो क्या अलग लगा, कैसा रहा पूरा, और मतलब मेजर मेजर पॉइंट्स बताओ कि क्या डिफरेंट लगा, शॉकिंग लगा। सबसे पहले तो यही लगा कि इतना आते एकदम खाली रोड, खाली एकदम सुनसान, शांति। इंडिया से मतलब आओ भीड़ में तो एकदम ऐसा लगता है लोग क्यों नहीं हैं। मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रीट्स पे चल रहे होते हैं तो इतना ऐसे लग रहा होता है कि सब सुंदर तो है लेकिन इतनी सुंदरता का क्या मतलब, कोई देखने के लिए लोग तो है ही नहीं। जब यहाँ पे 8 बजे पहुंचे थे तो 8 बजे घर पे जा रहे थे तो पूरा मार्केट बंद पड़ा था और एकदम ऐसे कड़कती धूप थी 8 बजे और सब कुछ बंद पड़ा, कोई सुनसान पूरा। और फिर बाद में घर पे पहुंचे 9 बजे तक, नहीं 10 बज गए थे अपन को खाना, डिनर तक 10 बज गए थे और 10 बजे एकदम पूरी धूप निकल रही और हम डिनर कर रहे हैं रात की। वो भी अजीब लगा था कि डिनर का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, माहौल बनाने के लिए हमें वो कर्टेंस लगाने पड़ते हैं कि भाई ये लगा दो ताकि फील आ जाए कि हाँ रात हो गई और अब सोना है। वो तो अभी तक हमें भी शॉकिंग लगता है कि है ना, अरे अच्छा रोशनी में कौन सोने जाता है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट आवर्स का। हाँ, मतलब इतना अजीब सा रूल लगा। ये सेकंड डे की बात होगी, हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे, घर से वीडियो कॉल आया था। अब इंडिया से वीडियो कॉल आया तो हम तो हा हा हू हू करके जोर जोर से बात कर रहे थे, पीछे से जीजू आके धीरे बोलो साइलेंट आवर्स चल रहा है, कोई डांट देगा। उसके अगले दिन ही हम लोग पार्क में खेलने गए हुए थे तो मतलब इतना भी शोर हम कर नहीं रहे थे, पर एक आंटी आई और उन्होंने हमें डांट दिया लिटरली अपनी बालकनी से, और इतना तो शोर भी नहीं हो रहा था। और ये साइलेंट आवर ऐसा नहीं है कि कोई कल्चर है, एकदम रूल होता है, पूरे संडे को पूरे दिन साइलेंट आवर चलते हैं और सैटरडे को भी चलते हैं और वीकडेज पर भी ऐसे, मतलब रात को थोड़ा 6-8 के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं और सुबह भी मतलब 8 बजे तक ऐसे चलते हैं। तो आपको बाई लो आपको थोड़ा मतलब साइलेंट ही रहना है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक्स को लेकर, तो एक अच्छी बात है एक बुरी बात है। तो यहाँ पे मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना सारा प्लास्टिक होएगा, हर चीज़ सुपरमार्केट में प्लास्टिक में पेल रखी है इन्होंने, हर चीज़ प्लास्टिक में। तो पर अच्छी बात यह है क्योंकि उस प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर रहे हैं ये लोग। अगर आप पानी की बोतल भी खरीद रहे हो तो उसकी बोतल की प्राइस ज़्यादा है, मतलब 80 रुपये मान लो, उसमें से अगर आप उसको रिसाइकल के लिए दोगे वापस तो आपको 30 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वो उसको रिसाइकल भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है न्यूडिज्म का कल्चर। यहाँ पे मतलब फ्री बॉडी का कल्चर है तो वो मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया था, रवीना को कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग एक दिन पूल गए और पूल के अंदर, हाँ पूल से नहा के जब हम लोग आ रहे थे तो उसके बाद में शावर लेना होता है कि आपने पूल ले कर लिया उसके बाद में आप शावर लोगे। तो जैसे ही मैंने गेट खोला एक अंदर न्यूड लड़की खड़ी हुई थी और मैं ऐसे एकदम कि बाहर जाओ या अंदर जाओ, वो ऐसे यहाँ कम है ना, ऐसे आराम से एकदम मैं ऐसे ये क्या देख लिया मैंने। और ऐसे ही म्यूनिक गए थे तो वहाँ पे लेक साइड था और ऐसे लेक में चल रही हूँ आराम से, मैं देख रही हूँ सामने एक न्यूड लड़का चल के आ रहा है एकदम आराम से कंफर्टेबली, मैं ऐसे ये क्या हो रहा है, मैं कुछ गलत दिख रही हूँ, इसने कुछ ना न्यूड कलर का पहन रखा हो गया कुछ। पर फिर जीजू ने बताया कि नहीं यहाँ पे ऐसा ही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, सब एकदम सनबाद कर रहे हैं। और एक फार्म हाउस में भी गए थे तो वहाँ पे भी हम लोग तो देख रहे हैं क्यूट क्यूट से स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, मैं और दीदी खड़े होकर देख रहे हैं कि वाह कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और मैं ऐसे दीदी को दिखाती थी देख वो दूर कितना अच्छा है, और मेरी स्ट्रेट मेरी उस अंगुली के सामने एक न्यूड आदमी उसमें से चल के आ रहा, मैं ऐसे लेकिन ऐसे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे बस जोन्स होते हैं वहाँ पे ही अलाउड है, ऐसे हर कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। और अभी अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे तो पुलिस की गाड़ी कैमरे के पीछे में आ गई, तो हमारा वेट कर रही है कि हमारा कब वीडियो कंप्लीट होए, कोई हॉर्न भी नहीं मारा। और हॉर्न का ही अगला पॉइंट हमारा कि यहाँ पे मतलब हॉर्न का कल्चर नहीं है, हॉर्न को एकदम रूड माना जाता है इंडिया में, तो मतलब बिना हॉर्न के तो गाड़ी चलती नहीं है ना, कि घर से निकले और हॉर्न मार दिया।
ऐसे यहाँ पे मतलब एकदम रूड बना जाता है एकदम ऐसे, हॉर्न मतलब गाली दे रहे हो आप अगले को, मतलब पुलिस वाला भी वेट कर रहा है हम लोग यहाँ बात करो, उसने ऐसे भी नहीं कि एक बार हॉर्न बजा दिया कि इन्फॉर्म कर देंगे भाई हटो या कुछ कुछ और नहीं। रूट भी वैलिड पॉइंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है, आपको हॉर्न की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आपको हॉर्न की जरूरत पड़ रही है तो मतलब अगला कुछ गलत कर रहा है इसलिए आप हॉर्न मार रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जैसे अपन तो इंडिया में संडे को वेट कर रहे होते हैं कि संडे को सारी शॉपिंग करने जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, पार्लर जाएंगे, ये वो, और यहाँ संडे को सब बंद रहता है और बाकी डेज में भी 8 बजे सब बंद हो जाता है। ऐसे कि मतलब रेस्टोरेंट्स फिर भी खुले मिल जाएंगे बट शॉप वगैरह अगर आपको कुछ भी करना है तो 8 बजे से पहले पहले। इंडिया पे ऐसे मन मर्जी पे संडे को कोई खोल रहा है, कोई हाफ डे रख रहा है, कोई रात को 10 बजे शॉप बंद कर रहा है, कोई 24 घंटे कर रहा है, यहाँ पे मतलब 8 बजे सब बंद, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर्स को लेके, तो अभी यहाँ पे जीजू को थोड़ा सर दर्द हो रहा था काफी टाइम से, तो डॉक्टर्स को मैंने बोला कि आप दिखाओ डॉक्टर को, तो जीजू ने बोला मैंने हाँ अपॉइंटमेंट ले रखी है 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट। इंडिया में तो अपन आज गए और डॉक्टर देख लेगा भाई, अपॉइंटमेंट ले तो 2-3 घंटे की मान लो, और फिर बाद में 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि आप MRI कराओ, और MRI की अपॉइंटमेंट गैस करो धन 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 3 महीने बाद। 3 महीने बाद सोचो एक MRI की। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे अच्छी लगी और ऐसे स्पेशल भी मुझे काफ़ी बार फील हुआ कि पेडेस्ट्रियंस को काफ़ी वैल्यू दी जाती है, जैसे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो जैसे कोई गाड़ी आ रही है और काफ़ी बार ऐसे हम लोग खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी भी रुक जाती है, फिर पता चलता है कि हमें जाने दे रही है, वो अलाउ कर रही है पहले। इंडिया में तो कैसे होता है कि भाई ऐसे हाथ दिखा दिखा के, या फिर मतलब अगर ग्रीन भी होता है पेडेस्ट्रियंस का तो भी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत सही लगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रे डॉग, कुत्ता, गाय स्ट्रीट पे कोई भी जानवर मिलेगा नहीं, मतलब ये तो आपको पता ही होगा, पर ठीक है हमें हमारे परिवार में तो एक दीदी को कुत्ता काटा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज ओके, मेरी मम्मी को काटा हुआ है, मैं 5 बार कुत्ते से जान बचा के भागा हुआ हूँ। यहाँ पे काफी पीसफुल, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी सुनसान गली में कोई कुत्ता नहीं मिलेगा। इंडिया में तो मैं सुबह सुबह अकेला जाता हूँ, पूरी गली खाली होती है, सिर्फ मैं रहता हूँ तो सुबह वाले कुत्ते तो बाप रे पीछे ही पड़ते हैं हमेशा। और हाईवे पे भी ड्राइव करते हुए कितना ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ ये जो जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे थोड़ा दूर चलें क्योंकि कोई भी गाय आ सकती है, यहाँ पे आप आराम से जा रहे होते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया में जैसे टेम्परेचर थोड़ा मतलब वेदर थोड़ा स्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, यहाँ पे एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, आज 25 डिग्री टेम्परेचर है और कल 37 हो जाएगा ऐसे। और एक लेडी से बात करें तो उसको हम कुछ रेनी सीजन का मेंशन कर दिया तो शॉक थी, रेनी सीजन क्या मतलब रेनी सीजन, इंडिया में तो जुलाई के टाइम पे रेन होती है ना, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी रेन हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो लगी वो थी यहाँ का फीका खाना। इंडिया में तो हम लोग तो स्पेशली ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बस एकदम तीखा मिर्ची ये वो खाते हैं, और यहाँ के एकदम डल, मतलब इतना फीका कि मतलब हम लोगों ने स्पेगेटी और ये सब भी हमने ऑर्डर किया तो वेजिटेरियन वैसे ही मतलब मिलना इतना मुश्किल, और जो मिल रहा था उसमें वेजिटेबल्स के नाम पे सिर्फ टमाटोज थे, इवन स्पेगेटी का जो सॉस था वो भी टमाटो का था, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या है ये इतना फीका और खाली टमाटर कैसे खाएं। और यहाँ पे जो ऐसे ट्रेन स्टेशन पेट्रोल पंप्स में यहाँ पे टॉयलेट भी पेड होते हैं, मतलब आपको 80 रुपए देने पड़ते हैं पर पर्सन टॉयलेट करने के, तो वो भी ऐसे थोड़ा ऐसे इंडिया से आके लगता है कि भाई एक टॉयलेट करने के 80 रुपए चले गए। हाँ इंडिया में तो हर जगह एकदम फ्री, कहीं भी हम पाँचों करें तो 400 रुपए ऐसे ही गए। और आपको ये तो पता ही होगा यहाँ टिश्यूज यूज करने पड़ते हैं, तो एक टिप है अमेजोन से 200 रुपए का पोर्टेबल बिगेट लेना आप। तो यहाँ पे शेयरिंग का कल्चर तो है ही, जैसे मतलब रेस्टोरेंट में 4 लोग जा रहे हैं तो 4 अपना अलग अलग ऑर्डर करेंगे और अलग अलग बिल पे करेंगे, मतलब एक फैमिली के भी जा रहे हैं तो ऐसा कल्चर है। तो अभी हमारे साथ अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हमने बस एक पिज्ज़ा ऑर्डर करा, एक स्पेगेटी पास्ता ऑर्डर करा था, तो बस 2 ही चीज़ ऑर्डर करी थी और हम 4 लोग थे, तो मतलब ये ऐसे बोलने लगे 4 जने हैं तो 4 ही ऑर्डर करो आप, ऐसे नहीं चलेगा। तो और एक बार तो हम उठ के जाने वाले थे पर लास्ट में वो बोले चलो करना क्या है बता दो एग्जैक्टली, क्योंकि हमें हम 2 ही चीज़ ऑर्डर करेंगे, हमें उतनी बुक है, फिर कैसे मतलब शेयरिंग नहीं चलेगी, मैकडोनल्ड्स नहीं है ऐसे कि हाँ। 4 जने आए हो तो 4 अलग अलग ऑर्डर करो। सो गाइज ये थे इनके एक्सपीरियंस जो रहे जर्मनी में, जो कि आपके साथ भी होंगे जब आप यहाँ आओगे, क्योंकि मेरे साथ भी हुए थे और सबके साथ होते हैं। तो आई होप आपको सुन के अच्छा लगा हो, एकदम जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नए नए लोगों का, क्योंकि थोड़े टाइम रहने लगो फिर तो आदत हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, बट अभी इनकी पूरी यू नो वो इनके जख्म और जो इनके एक्सपीरियंस वो सारे फ्रेश थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं आगे के वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।